नमस्कार, मैं हूं दिबांजी मोइत्रा। पिछले एक महीने से अमेरिका एक ही रट लगाए हुए कि ये वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से नहीं फैला है, बल्कि ये चीन की गलती है और ये उसके लैब से निकला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये बात अब सच साबित होती नजर आ रही, क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात को सही साबित कर रहा है। जी हाँ, दुनिया भर में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुके कोविड-19 को लेकर एक नया दावा सामने आया। अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज ने दावा किया है कि कोविड-19 चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करने वाली एक इंटर्न से गलती से लीक हुआ था। फॉक्स चैनल ने इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई थी। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दावों और इससे जुड़े मामलों की जांच कराने की बात कही। चैनल की माने तो कोविड-19 प्राकृतिक, लेकिन ये वुहान की वायरोलॉजी लैब से निकला है। वहाँ सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण एक इंटर्न संक्रमित हो गई। उसके संपर्क में आकर उसका बॉयफ्रेंड संक्रमित हुआ और बाद में ये वायरस वेट मार्केट पहुंचा। कोविड-19 के बारे में शुरुआत में ये वायरस चमगादड़ से इंसानों में आया और इसका पहला शिकार लैब में करने वाली इंटर्न बनी। वो वायरस के बाहर फैलने के कारण सबसे पहले खुद संक्रमित। जब ये कोविड-19 बाहर आया, तभी से ये कहा जा रहा है कि ये वुहान के सी फूड मार्केट से आया है। लेकिन चैनल का कहना है कि इस मार्केट में कभी चमगादड़ बेचे ही नहीं गए। लैब से वायरस निकलने की बात छिपाने के लिए चीन इस मार्केट को कसूरवार ठहरा रहा था। फॉक्स के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दुनिया की प्रमुख P4 लेवल की लैब है। ये वायरस संक्रमण स्ट्रेन रखने रिसर्च परीक्षण की वैश्विक प्रयोगशाला है। एक और अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वुहान वायरोलॉजी लैब में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने पर चीन में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने 2 साल पहले चिंता जताई। इसी के साथ एक और जानकारी देते चलें कि अमेरिका उन दावों की गहन जांच कर रहा है कि वायरस कहां से लीक हुआ। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि वायरस चीन के लैब से हुआ तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो पूरी दुनिया का शक चीन पर ही बना हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या क्या निकल कर बाहर आता है।